हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सोयाबीन बड़ी के साथ में अंडा करी। एक ही में मिक्स करके बनाएंगे एक नया रेसिपी, और प्रोटीन से भरपूर, ताकत से भरपूर सब्जी है, बहुत ही स्पेशल सब्जी आज हम लोग बनाएंगे विलेजी स्टाइल में। और जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों का हमेशा वीडियो पहुंचता रहे दोस्तों विलेज स्टाइल का, और हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। तो चले बनाते हैं हम लोग सोयाबीन बड़ी अंडा करी के साथ में। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा सोयाबीन बड़ी, और ये अंडे है, ये देखिए। और अंडे को इसी में हम लोग मिलाते जाएंगे दोस्तों, ये देखिए। और बहुत ही प्रोटीन युक्त सब्जी आज बनाने जा रहे हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हम लोग अंडे को फोड़ लिए हैं और इसमें मिला लिए हैं सोयाबीन बड़ी में, और इसमें नमक, हल्दी, मिर्च और ये गरम मसाला सभी मिला लिए हैं। और इसको अब हाथ से हम लोग अच्छे से मिला लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हल्का सा भून लेंगे कढ़ाई में, हल्का तेल में। और एकदम प्रोटीन युक्त बनाने जा रहे हैं आज हम लोग सब्जी सोयाबीन बड़ी अंडे का, ये देखिए। और अच्छा से इसमें रस एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, अंडे का सोख लेगा बड़ी। फिर बनाते हैं हम लोग ताज़ा ताज़ा सब्जी सोयाबीन बड़ी का। देखिए अच्छे से मिला लिए हैं हम लोग। देखिए हम लोग टमाटर, प्याज ये सभी काट लिए हैं, और कढ़ाई भी रख लिए हैं, ये देखिए चूल्हे पे। और अब सब्जी बनाना स्टार्ट करें सोयाबीन अंडा करी के साथ में। तो तेल डाल लेते हैं, पहले हम लोग बड़ी में जो अंडा मिक्स किए हैं उसको अच्छे से भून लेंगे, जिससे अंडा बड़ी पे चिपक जाएगा। तो चलिए पहले तेल गरम कर लेते हैं हम लोग। देखिए हमारा तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गरम हो गया है दोस्तों, और अब हम लोग जो सोयाबीन बड़ी और अंडा मिक्स किए हैं उसको डाल लेते हैं कढ़ाई में भूनने के लिए, ये देखिए। और अच्छी तरह से भून लेंगे अच्छे से, जिससे अंडा बड़ी भुना जाए बिल्कुल अच्छा से। देखिए, और थोड़ा देर भून लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा बड़ी और अंडा एकदम बिल्कुल मिक्स होकर भुना गया है, बड़ी पे अंडा चिपक गया है। और चलिए इसे हम लोग खाली कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। देखिए हम लोग कढ़ाई फिर रख लिए हैं, और हल्का सा तेल डाल लेते हैं मसाला बनाने के लिए, और तेल गरम कर लेते हैं। देखिए तेल हमारा गरम हो गया, और प्याज डाल लेते हैं हम लोग भूनने के लिए। प्याज हमारा अच्छी तरह से थोड़ा भून लेते हैं लाल होते तक। देखिए देखिए हमारा प्याज बिल्कुल अच्छा से भुना गया, और लहसुन अदरक पीसे थे हम लोग उसको डाल लेते हैं प्याज। और इसमें अब हम टमाटर भी डाल लेते हैं। और हल्दी मिर्च ये डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि अंडे में भी डाले थे। और मिर्च डाल लिए हैं, ये देखिए। हल्दी डाल लेंगे, और कुछ देर अच्छा से भून लेंगे। हल्का सा नमक भी डाल लेंगे ताकि टमाटर भी गल जाएगा, ये देखिए। थोड़ा देर भून लेते हैं, हल्का सा मसाला है। और देखिए दोस्तों, हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुना गया है, और तेल भी ऊपर आ गया है। तो चलिए अब हम लोग बड़ी अंडा जो मिक्स भुने थे उसको डाल लेते हैं पकाने के लिए, और एकदम सूखा सा बनाएंगे हम लोग, ये देखिए। और मिला लेते हैं अच्छी तरह से,
और चलिए कुछ देर अच्छी तरह से पका लेंगे, फिर फाइनली उतार लेंगे चूल्हे से। देखिए दोस्तों, हमारा सब्जी पक के तैयार हो गया, सोयाबीन अंडा करी के साथ में। और चलिए हम लोग चूल्हे से उतार लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग चूल्हे से उतार लिए थे और छोटा कढ़ाई है उसमें रख लिए हैं, और बहुत ही अच्छा बना है विलेज स्टाइल का। ये देखिए, आज हम लोग सोयाबीन बरी बनाए थे अंडा करी के साथ में, अंडा मिक्स करके। आशा करता हूँ दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। आज हम लोग सोयाबीन बड़ी अंडा करी के साथ में बनाए थे मिक्स करके विलेज स्टाइल में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।